Okay, students, now we are going to discuss next topic, which is Young's double slit experiment. हमने students पहले बात की interference of light की, और इससे पहले start में जब मैंने discuss किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब Huygens ने propose किया कि light is a form of wave, तो उस वक्त कोई convincing ideas, convincing experiments नहीं थे जो कि Huygens की postulate को, Huygens की कही हुई बात को experimentally prove कर पाते. लेकिन Huygens ने ये बात की 1678 के अंदर, 1678 में, जबकि Young ने Huygens के postulate को experimentally prove किया with his famous experiment known as Young's double slit experiment. हमने उसी operators को, उसी device को दोबारा हम जो है repeat करने जा रहे हैं. आपकी book के अंदर जो है वही experiment जो है वो mention है, जो 1801 के अंदर जो था Huygens की बात को experimentally prove करने के लिए कि light has a wave nature, light is a form of wave. Young ने जो था एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिखाया कि किस तरह जो है लाइट जो है वो वेव रखती है. अगर वो इंटरफेरेंस शो करेगी, इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट एंड डार्क और कलर पैटर्न वट एवर, तो वो वेव नेचर रखती है. तो यहाँ पे स्टूडेंट उसी हम बात को लेकर चलते हैं, Huygens प्रिंसिपल को, और वहां पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को. कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए हमने पढ़ा कि सोर्स हमारे पास एक सिंगल बीम होना चाहिए, सिंगल बीम यानी मोनोक्रोमेटिक, सिंगल वेव लेंथ होना चाहिए, और उस वो कोहेरेंट होना चाहिए. कोहेरेंट मीन्स टू से कि हमारे पास एक सिंगल सोर्स है, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है, ये सिंगल सोर्स ऑफ लाइट जो है, अगर आगे हम जो है एक सेकंड स्क्रीन यूज करते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन ले रहे हैं, कोई भी स्क्रीन, तो यहां से यह सिंगल सोर्स ऑफ लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट हम यूज कर रहे हैं सिंगल वेवलेंथ का, इसको हमने कोहेरेंट बनाना है. तो मैंने बताया था कोहेरेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्क्रीन यूज करेंगे जिसके अंदर दो सुराख कर देंगे, तो उसके अंदर दो सेकेंडरी सोर्सेज के तौर पे, सोर्स एस वन और सोर्स एस टू के तौर पे जो है वो एज अ बिहेव करेंगे. इस तरह जो है थर्ड स्क्रीन जहां पे हमने इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो स्टडी करना है वो हम लगाएंगे. थर्ड स्क्रीन के ऊपर जो है हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न, जब ये लाइट इसमें से गुजरेगी, तो ये पोर्शन जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है इनका, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पे इंटरफेयर कर रही है, यहां पे हमें क्या नजर आएगा, यहां पे हमें एक पट्टी नजर आएगी, एक बैंड नजर आएगा, कलर बैंड कह लें या कोई भी, अल्टरनेटिवली जो है वो डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, या हमें डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस जो नजर आएंगी वो इस बैंड के अंदर नजर आएंगी, विद इन दिस बैंड. सो इन दिस वे वी कैन प्रोड्यूस अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट. वी टेक अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट एस, then we place a screen in front of the this source of light having two narrow slits. These two narrow slits behave act as a secondary wavelets, secondary source of wavelets, secondary wavefronts of this single monochromatic light. And when the light pass through these two slits and two waves, two bands of wave, two light rays are formed, and these light rays when intersect, interfere, then they form इंटरफेरेंस पैटर्न. सो एक्सपेरिमेंटली जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें फिर एक बैंड मिलेगा जो कि डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट की फॉर्म में जो है स्टूडेंट्स हमें एक बैंड नजर आएगा यहां पे, जो कि ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगा. ये सारी जजमेंट, ये सारा कुछ जो था Young's ने जो था वो एक्सपेरिमेंटली जो है प्रूव किया. अब हम वही डायग्राम्स मैंने आपकी बुक के अंदर जो है वो बनाई हुई है यहाँ पे, ताकि हमारा टाइम जो है, जो वीडियो टाइम जो है वो हमारा मिनिमाइज हो सके, और आपको जो है विद इन शॉर्ट टाइम आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंच सके. लेट अस कंसीडर करते हैं हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वही ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस. हमारे पास यही वही सारी टेक्निक है कि हमने कोहेरेंट सोर्स लिया, सिंगल सोर्स मोनोक्रोमेटिक, उसको कोहेरेंट बनाया, हमने दो स्लिट्स लिए और हमने दो स्क्रीन यूज की. ये इस काम यहाँ पे किया गया इस डायग्राम के अंदर, कि यहाँ पे हमने एक जो है प्राइमरी सोर्स लिया है, उससे आगे हमने सेकेंडरी वेवलेट्स बनाए, सेकेंडरी सोर्सेस लिए हमने, यहाँ पे एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट जो है यहाँ से ये कह लें ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट
ये लाइट आ रही है और यहाँ से लाइट जो है प्राइमरी सोर्स से आगे सेकेंडरी सोर्स बढ़ रहे हैं, वेवलेट्स बढ़ रहे हैं। ये स्क्रीन हमें रखी हुई है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन जो है ये हमें रखी हुई है जहाँ पे हमने इनके फ्रिंजेस को, इनके बैंड्स को जो है, कलर पैटर्न्स को है, व्हाटएवर उसको हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट जब इसमें से लाइट पास करेगी इन दो सोर्सेज में से, तो ये बिहेव करेंगी एज अ टू रेज ऑफ लाइट, टू वेव्स ऑफ लाइट जो कि जाएंगी और इंटरसेक्ट करेंगी लाइक दिस। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे इतना, ये जो बुक के अंदर भी मेंशन है, ये इतना पोर्शन स्टूडेंट एक्चुअली जिसको लिया गया है जो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से इनके जब अल्टरनेटिवली क्रस्ट से क्रस्ट मिलना है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, जबकि क्रस्ट से ट्रफ जब मिलना है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है। तो अल्टरनेटिवली कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, जहां पे कंस्ट्रक्टिव होना है उसे हमने मैक्सिमा का नाम देना है, जहां पे ब्राइट फ्रिंज हमें नजर आएगी, कलर फ्रिंज नजर आएगी। उसके बाद जहां पे हमें डार्क फ्रिंज नजर आएगी वो हमारे पास मिनिमा होगा, ये मिनिमा होगा हमारे पास। फिर उसके बाद मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा। तो अल्टरनेटिवली हमें एक कलर बैंड जो है, ये कलर बैंड जो है ये हमें मिल जाएगा। इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्मेशन के अंदर लेके आना है। मैथमेटिकली जो है क्या फॉर्म मिलती है कि इसमें हमें जो कलर पैटर्न या हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है उन डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, उनकी वेवलेंथ क्या है। अगर हमें स्टूडेंट इन दो स्लिट्स के दरमियान और इस, ये स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है वो पता हो और हमें स्पीड ऑफ सी का पता हो, तो हम वहां से जो सोर्स हमने यूज किया है, एक्चुअली जो सोर्स ऑफ लाइट यूज किया है उसकी हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो उसकी वेवलेंथ क्या होगी उस सोर्स ऑफ लाइट की, कौन सा कलर जो है वो अपीयर होगा उन बैंड्स के अंदर, उन फ्रिंजेस के अंदर। सो लेट अस कंसीडर, हमारे पास ये सारा कुछ, ये इसका बैकग्राउंड था इस पूरे एक्सपेरिमेंट को लेके चलने का कि कैसे जो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है। सो लेट अस कंसीडर, हम यहाँ पे दूसरी डायग्राम जो है इस वाली को डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ से ये दो स्लिट्स लिए हैं, ये पोर्शन लिया है एक्चुअली, इतने वाला पोर्शन हमने बी सी, इस जो प्राइमरी सोर्स है इसको हमने ए स्लिट का नाम दिया है। यहाँ पे जो दो स्लिट्स हमने सोर्स बनाई है वो बी है हमारे पास स्क्रीन, और ये सी स्क्रीन जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन जहाँ पे हमने इनके फ्रिंजेस को स्टडी करना है, बैंड्स को स्टडी करना है। यहाँ इतना पोर्शन जो है स्टूडेंट्स, मैंने ये वाला इतना पोर्शन जो है ये कट ऑफ करके यहाँ पे लिया है, इसको हमने लेके चलना है फॉर द मैथमेटिकल फॉर्मेशन। यहाँ पे दो स्लिट्स हैं हमारे पास उसी तरह ए बी, इनके दरमियान जो विड्थ है उसको हमने नाम लिया है, इनके दरमियान जो कंसेंट्रिंग डिस्टेंस है इनका जो सेंटर वो हमारे पास डी है, जबकि वो स्क्रीन के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, इस तरह पॉइंट, या ये पॉइंट कह लें आप, ये पॉइंट मेरे पास पी है और इसका सेंटर पॉइंट जो है यहां से ये सेंटर पॉइंट ओ है, और इस सेंटर पॉइंट जो ओ है यहां से इस पॉइंट का नाम दिया सी, सी से लेके ओ तक जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास डिस्टेंस वो एल है। ये सोर्स ऑफ जो हमारे पास स्क्रीन है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ स्क्रीन, स्लिट स्क्रीन से लेके फ्लोरोसेंट स्क्रीन जहां पे इमेज बन रहा है वहां तक जो डिस्टेंस है वो एल है। उसके अलावा यहां से जो दो रेज निकलेंगी लाइट की जो इंटरफेयर होंगी, एक रेज जो है एक स्लिट एस वन से जो ए से नाम दिया है, और दूसरी S2 जो B है हमारे पास स्लिट यहाँ से, उसमें रेज ऑफ लाइट जो है वो वहाँ पे जाके एक पॉइंट के ऊपर इंटरफेयर करती है और यहाँ पे जो है हमें कलर पैटर्न, ये वाला जो कलर पैटर्न जो है वो हमें नजर आता है ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस के फॉर्म में, ब्राइट और डार्क। स्टूडेंट यहाँ O से P तक जो पॉइंट है उसको हमने जो इसका जो डिस्टेंस है जो वर्टिकल डिस्टेंस हमने Y ले लिया है, जबकि हमारे पास यहां पे अगर हम इस पॉइंट से हाइपोथेटिकली जो है अगर ड्रॉ करते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहां पे एंगल जो है बनेगा वो हम लेते हैं थीटा, यानी कि एंगल हमारे पास पी सी ओ एंगल जो है वो हमारे पास क्या आता है वो थीटा आता है। ये सारा कुछ आपकी बुक के अंदर भी ड्रॉ है, यहां भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है। हमने करना यह है कि यहां से ये दो जो रेज ऑफ लाइट है इनमें एक फेज डिफरेंस आ रहा है, इनका फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट लेने के लिए, फेज कॉन्स्टेंट फेज लेने के लिए हमने इनकी जो लेंथ है उनको कॉन्स्टेंट करना है। यहां से मैंने एक प्रपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये प्रपेंडिकुलर ड्रॉ इस तरह करना है कि ये फेज डिफरेंस जो है इनका, ये फेज डिफरेंस जो है ये एपी और डीपी ये सेम हो जाए, यानी कि एपी इक्वल हो जाए किसके डीपी, जबकि इसी तरह हमारे पास जो एंगल है स्टूडेंट्स एंगल पी सी ओ
पी सी ओ हमारे पास वो थीटा है, इसी तरह एंगल हमारे पास ये जो डायग्राम है इसको मैं निकाल के अगर यहां पे लिखूं ऐसे, ये ए था जबकि ये एंगल जो है यहां पे जो एंगल बन रहा है थीटा, ये हमारे पास ये डी था और ये बी था, तो इनके दरमियान जो एंगल है हमारे पास यानी एंगल बी ए डी, बी ए डी यानी ये एंगल जो है जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल जो है हमारे पास एंगल बी ए डी, ये भी हमारे पास थीटा होगा। उसके अलावा लेंथ हमारे पास जो सी ओ, सी से ओ तक जो है सी ओ हमारे पास किसके इक्वल है, एल के अंदर। ये सारी अजम्पशन जो है हमने इस डायग्राम के अंदर ली हुई है कि ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हमें डिफाइन करना है। अब उसी तरह हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ए पॉइंट से डी तक ताकि हमारे पास ए पी इक्वल हो सके डी पी के, ताकि इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट आए। अब होगा ये कि ये जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है हमारे पास बी डी, ये पार्ट डिफरेंस ये वाला, ये पार्ट डिफरेंस जो बी डी है स्टूडेंट्स, बी डी ये एक्चुअली डिफाइन करेगा, ये फेज डिफरेंस जो आ रहा है एक्चुअली इन दो रेज लाइट रेज के दरमियान जो फेज डिफरेंस आ रहा है ये डिफाइन करेगा ये वाला कि हमारे पास एट पॉइंट पी के ऊपर जो है वो कौन सी फ्रिंजेस बनेगी, कौन सा पैटर्न बनेगा, ब्राइट पैटर्न बनेगा या डार्क पैटर्न बनेगा, यानी ये हमारे पास फ्रिंजेस को डिफाइन करेगा फेज डिफरेंस, कि यहां पे हमारे पास जिनको हमने मैक्सिमा मिनिमा का नाम दिया है ये मैक्सिमा और मिनिमा जो है ये डिफाइन करता है फेज डिफरेंस, उनका जो पाथ डिफरेंस है दो रेज के दरमियान वो हमारे पास डिफाइन करेगा जो कलर पैटर्न अपीयर होगा वहां पे कि कौन सा होगा। अब हमने इसी इन्हीं अजम्पशंस को लेके आगे हम मैथमेटिकल जो है डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल डेरिवेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो फेज डिफरेंस है ये पाथ डिफरेंस जो बी डी है, एक्चुअली अगर मैं इस डायग्राम को लिटरली लेके चलूं ये इस तरह है ना, तो यहां पे अगर मैं इनकी रेशियो निकालूं एंगल की, ये थीटा एंगल है तो साइन थीटा मेरे पास इक्वल आना चाहिए परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर डी ओवर आल्टीट्यूड हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बी डी ओवर टी। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसी डायग्राम के अंदर ये इतनी ट्रायंगल मैंने जो है निकाल के यहां भी लिखी है ताकि मैथमेटिकल फॉर्मेशन हो सके, तो फेज डिफरेंस जो आ रहा है हमारे पास पार्ट डिफरेंस वो हम निकालेंगे साइन थीटा से, साइन थीटा इक्वल होता है हमारे पास प्रोपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, प्रोपेंडिकुलर हमारे पास बी डी है या हाइपोटेनस डी है, इसको थोड़ा रीरेंज करते हैं। रीरेंज करने के बाद जो है अगर हम इस इक्वेशन को रीरेंज करें, इसको रीरेंज करके लिखेंगे बी डी इक्वल डी साइन थीटा, जबकि हमारे पास जो ये फेज डिफरेंस है ये वाला पार्ट डिफरेंस बी डी जो है स्टूडेंट्स ये इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि इस पे जो कलर पैटर्न होना है जो नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है हमने निकालनी है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये पार्ट डिफरेंस इक्वल किसके आता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, एम जो है यहां पे हमारे पास जीरो है, वन है, टू है, थ्री एंड सो ऑन है, जबकि इस इक्वेशन के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तब हमारे पास डी साइन थीटा यानी इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन वन और टू को अगर हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं तो डी साइन थीटा इक्वल आ जाता है हमारे पास एम लैम्डा के, सो दिस इक्वेशन इज फॉर ब्राइट बैंड, ब्राइट फ्रिंज कह लें, ब्राइट फ्रिंज स्टूडेंट ये वाला जो है
ये एक वेजन जो है ये डिस्क्राइब करती है ब्राइट फ्रिंज को, यानी अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा तब हमारे पास मैक्सिमा आना है, यानी कलर पैटर्न जो है ब्राइट फ्रिंजेस हमें नजर आएंगी वो मैक्सिमा होगी। इसी तरह ये ऑब्जर्व किया गया कि हर ब्राइट फ्रिंज जो है हमारे पास पॉइंट सेंटर जो है एक ब्राइट फ्रिंज जो है इस तरफ होगी, दूसरी ब्राइट फ्रिंज इस तरफ होगी, यानी पॉइंट के दोनों साइडों पे ब्राइट फ्रिंजेस होंगी, यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ब्राइट फ्रिंज जो है वो बनेंगी। इसी तरह सेंट्रिक कंसेंट्रिक ब्राइट फ्रिंज की बात करें, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमारे पास जो यहां पे पॉइंट ओ के ऊपर बनेगी वो होगी एट पॉइंट जब हमारे पास m इज इक्वल टू जीरो होगा, जबकि जब हमारे पास m इज इक्वल टू वन होगा एक साइड पे m इज इक्वल टू टू ले लें, प्लस वन माइनस वन, इस तरह हमारे पास जो है ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई। अब हम बात करते हैं डार्क फ्रिंजेस की, जबकि जब हमारे पास ये फेज कॉन्स्टेंट जो है जो ये पाथ डिफरेंस जो है फेज डिफरेंस जो है ये BD जब हमारे पास हाफ इंटीग्रल होता है वेवलेंथ का, तब हमारे पास m प्लस वन बाई टू इंटू लेमडा, यानी हाफ इंटीग्रल ऑफ द वेवलेंथ जब होगा तब हमारे पास कौन सी फ्रिंज आनी है, इसी को कंपेयर करते हैं इसके साथ, d साइन थीटा इक्वल m प्लस वन बाई टू लेमडा। तो स्टूडेंट ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये फॉर द डार्क फ्रिंज है, डार्क ब्रांड और डार्क फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है जब हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल जो है हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस जो था फेज डिफरेंस जो था दो रेज का वो हाफ लैम्डा होगा, तब हमारे पास जो फ्रिंज बनेगी वो डार्क बनेगी। इसी तरह एट पॉइंट m इक्वल जीरो पे, एट m इक्वल जीरो अगर हम m इक्वल जीरो ले लेते हैं तो जीरो के ऊपर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं m जीरो तो वन बाई टू लैम्डा जो कि फर्स्ट जो डार्क फ्रिंज जो एट पॉइंट ओ के ऊपर जो बनेगी पॉइंट ओ के जो कंसेंट्रिक जो डार्क फ्रिंज होगी वो बनेगी वो हमारे पास क्या होगी वन बाई टू। इसी तरह हम जो है वन पुट करेंगे सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए वो ऊपर ले लें या नीचे ले लें, उसके लिए हम m इक्वल वन पुट करेंगे तो ये हमारे पास सेकेंड डार्क फ्रिंज जो है वो आ जाएगी जो कि थ्री ओवर टू लैम्डा होगी। तो इस तरह जो है हम डार्क फ्रिंजेस जो है इसको इक्वेशन नंबर वन कह दिया, इक्वेशन नंबर टू इसे हम इक्वेशन नंबर ए कह लेते हैं और इक्वेशन नंबर बी कह लेते हैं। सो स्टूडेंट इन्हीं दो इक्वेशंस को इक्वेशन ए और बी जो कि आपकी बुक के अंदर इक्वेशन नंबर 9.1 और 9.2 के नाम से है, हमने इन्हीं इक्वेशन दोनों इक्वेशंस को लेके अब हम इनके दरमियान जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस है लीनियर डिस्टेंस जो है वो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि उनके दरमियान जो विड्थ है लीनियर डिस्टेंस जो हमारे पास वाई है वो कितना आ रहा है, उनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरे ब्राइट फ्रिंज तक जो डिफरेंस आ रहा है लीनियर डिस्टेंस का डेल्टा वाई हम निकालने जा रहे हैं नेक्स्ट जो है इन्हीं दो इक्वेशंस को हम यूज करेंगे डी साइन थीटा एम लैम्डा जबकि डी साइन थीटा एम प्लस लैम्डा बाय टू। तो फर्दर मूव करते हैं हम, अब हमने सपोजिशन जो स्टूडेंट्स यहां पर करनी है सपोज हम कर लेते हैं कि इसी पोर्शन के अंदर हम अपने मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, ओके स्टूडेंट्स फर्दर हम ये कह लेते हैं कि हमारे पास जो थीटा आ रहा है ये एंगल थीटा जो है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, तो यहां पे सपोज कर लेते हैं साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टैन थीटा, ये हमने सपोज कर लिया कि साइन थीटा नियरली इक्वल टू टैन थीटा। अगर ये tan थीटा है तो tan थीटा स्टूडेंट हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, tan थीटा होता है altitude या perpendicular over base, तो altitude और ये हमारे पास इस ट्राइंगल को हम सपोज करेंगे इस वाले ट्राइंगल को, ट्राइंगल आप कह लें हमने जो सपोज करनी है पी ओ सी को हम जो है वो सपोज करने जा रहे हैं ट्राइंगल पी ओ सी को, इसके अंदर हमारे पास altitude जो है वो y है जबकि बेस हमारे पास l है। अब क्योंकि साइन थीटा और टैन थीटा सेम है तो साइन थीटा हमने लिखा था बी डी ओवर डी के, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा हमारे पास क्या है
बी डी ओवर डी, यहां से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, जबकि बी डी हमने लिया था इक्वल था इंटीग्रल मल्टीपल फॉर द ब्राइट फ्रिंज। हम ब्राइट फ्रिंज के लिए निकालने जा रहे हैं, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए है, ब्राइट बैंड कह लें, उसके लिए हम निकालने जा रहे हैं पार्ट डिफरेंस जो है हमारे पास, या डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द लीनियर डिस्टेंस ऑफ द मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज एंड मिनिमा डार्क फ्रिंज। ये हमारे पास था एम लैम्डा इक्वल वाई ओवर एल। ओके स्टूडेंट, इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं वाई इक्वल एम लैम्डा एल ओवर डी, जो कि आपकी बुक के अंदर लिखा गया है लैम्डा बिल्कुल इसी तरह। तो ये हमारे पास स्टूडेंट ये वो डिस्टेंस होगा, ये वो लीनियर डिस्टेंस होगा जो डिस्क्राइब करेगा किसको, ब्राइट फ्रिंज को। सिमिलरली हमारे पास डार्क फ्रिंज के लिए हमने लिखना है वाई इक्वल, ये डार्क फ्रिंज के लिए था डी साइन थीटा एम लैम्डा बाय टू, तो यहां पे लिखेंगे हम डार्क फ्रिंज के लिए एम प्लस वन बाय टू इंटू लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाय डी। अब हम इसे जो है कुछ इस शेप के अंदर ले आएंगे, ये हमारे पास आएगा एम प्लस वन बाय टू लैम्डा बाय टू इंटू वन बाय टू लैम्डा इंटू एल ओवर डी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो लीनियर डिस्टेंस जो डिस्क्राइब करेगा ये डार्क फ्रिंज के लिए होगा। यहां तक हमारे पास ब्राइट फ्रिंज के लिए था, ये हमारे पास किसके लिए होगा, डार्क फ्रिंज के लिए। सो स्टूडेंट ये हमारे पास डार्क फ्रिंज के लिए डिस्टेंस आ गया। अब हम इनके दरमियान निकालने जा रहे हैं कि एक ब्राइट फ्रिंज है दूसरी ब्राइट के दरमियान, यानी एक ब्राइट से दूसरी ब्राइट के दरमियान लीनियर डिस्टेंस या पार्ट डिफरेंस कितना है, और एक डार्क से दूसरी कंजेक्टिव नेक्स्ट जो डार्क फ्रिंज आनी है उसके दरमियान लीनियर जो है वर्टिकल या लीनियर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वो कितना है। हम पार्ट डिफरेंस निकालने जा रहे हैं, तो पार्ट डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, पार्ट डिफरेंस के लिए हम इन्हीं इक्वेशन को यूज करना है। तो यहां पे जो है पार्ट डिफरेंस के लिए इक्वेशन ड्राइव करते हैं, पार्ट डिफरेंस के लिए हमने नहीं दो इक्वेशन को लेना है। सबसे पहले हम पार्ट डिफरेंस लेते हैं फॉर द ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान स्टूडेंट्स जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो हम निकालने जा रहे हैं। लेट से हमारे पास दो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, एक हमारे पास एम एथ है और दूसरी हमारे पास एम प्लस वन, ये ब्राइट फ्रिंज होगी। ये दो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए एक हमारे पास एम है, दूसरी हमारे पास नेक्स्ट जो है फर्स्ट एम लेते हैं सेकंड हमारे पास एम प्लस वन होगी। तो इन्हीं इसी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को यूटिलाइज करते हैं। तो फर्स्ट के लिए हम एम लिख लेते हैं वाई एम, ये वही हो जाएगी m इंटू लैम्डा एल ओवर डी। ये m के लिए, जबकि नेक्स्ट इसकी m प्लस वन, तो m प्लस वन इक्वल यहां भी हम लिखेंगे m प्लस वन लैम्डा एल ओवर डी। इक्वेशन नंबर a इसको ऐसे कह लें, इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर, हमने इनका पार्ट डिफरेंस डेल्टा y निकालना है जो कि 4 माइनस, यानी फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। दिस इज लैम्डा वाई जो कि इक्वल होगा हमारे पास लैम्डा एम प्लस वन प्लस लैम्डा एम के माइनस एम डाल लैम्डा एम के। हमने स्टूडेंट्स इन दो इक्वेशंस को क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हम दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो लीनियर डिस्टेंस आ रहा है वो हम निकाल सकें। तो इनकी अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इन दो इक्वेशंस की, तो डेल्टा वाई हमारे पास इक्वल आता है, ये हमारे पास थी एम प्लस वन डेल्टा एल ओवर डी माइनस एम इंटू लैम्डा एल ओवर डी। स्टूडेंट ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, जब ये मल्टीप्लाई होंगे, ये बाकी का पोर्शन हम यहां पे कर लेते हैं, इस डायग्राम की अब जरूरत नहीं है। हमने इसी को लेके चलना है इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को हम लेके चल रहे हैं। तो डेल्टा वाई हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाएगा
इस लैम्डा एल ओवर डी को मल्टीप्लाई करेंगे वन से भी और एम से भी, एम से मल्टीप्लाई किया एम इंटू लैम्डा एल ओवर डी प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा लैम्डा एल ओवर डी माइनस हमारे पास था एम लैम्डा एल ओवर डी। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास लैम्डा माइनस का एम माइनस एम लैम्डा ओवर डी माइनस एम लैम्डा ओवर डी ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, जबकि डेल्टा वाई हमारे पास इक्वल आ जाएगा डेल्टा एल ओवर डी। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस। सो स्टूडेंट दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू ब्राइट फ्रिंजेस। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं फॉर द डार्क फ्रिंजेस कि उनके दरमियान जो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस के दरमियान जो पाथ डिफरेंस आना है स्टूडेंट्स वो भी यही होगा कि जब हम m और m प्लस वन के लिए लेंगे सिमिलरली इसी तरह जिस तरह हमने इसके अंदर किया है, तब हम जब यहां पे m इंटू एम प्लस वन लेंगे तो हमारे पास डार्क फ्रिंजेस के लिए भी जो पाथ डिफरेंस आएगा वो भी लैम्डा l ओवर d ही होगा। ये आप लोग खुद कर सकते हैं, करके देखिएगा। इसी तरह हमने लेना है डेल्टा y इज इक्वल टू वाई एम प्लस वन माइनस वाई एम। यहां पे हमारे पास m के लिए होगा वो ये होगा m प्लस वन बाय टू लैम्डा l ओवर d, जबकि सेकंड के लिए हमारे पास यहां पे हो जाएगा m प्लस वन हो जाएगा m की जगह प्लस वन बाई टू लैम्डा एल ओवर डी। उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा वाई, डेल्टा वाई हमारे पास लैम्डा एल ओवर डी ही आएगा। इट शोज दैट के हमारे पास जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बननी है, जो स्पेक्ट्रम बनना है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का, उनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होना है वो क्या होना है, सेम होना है। यानी एक ब्राइट से दूसरी ब्राइट और एक डार्क से दूसरी डार्क तक जो डिस्टेंस होना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो डिफरेंस आना है हमारे पास, जो पाथ डिफरेंस आना है वो सेम होना है। यानी एक ब्राइट से अगली ब्राइट तक इंटीग्रल मल्टीप्लाई यानी लैम्डा बाय डी इंटू एल होगा। सिमिलरली एक डार्क से दूसरी डार्क फ्रिंज तक भी लैम्डा बाय डी इंटू एल होगा। अब स्टूडेंट्स इन तमाम इंफॉर्मेशन को लेके हम जो है, अगर हमें डी जो है डिफरेंस बिटवीन टू स्लिट्स पाथ डिफरेंस डी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द सेकेंडरी सोर्स यानी स्लिट्स के दरमियान पता हो तो हम जो है लैम्डा मालूम कर सकते हैं। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जितना डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जितना डिफरेंस जो है जितनी ज्यादा हो जाएंगी उतनी ही ज्यादा हमें जो है उनके दरमियान जो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज या दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट जो है उतना ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जितना एल ज्यादा होगा उतना ही डेल्टा वाई यानी कि उनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है ये उतनी ही स्पेस्ड हो जाएंगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जबकि जितना डी हमारे पास जो है, अगर हम डी की बात करते हैं, अगर हम अपने डी जो है जो दो नैरो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके दरमियान जो विड्थ है वो अगर कम जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना ही ये क्या होता जाएगा, डेल्टा वाई लेस होता जाएगा, ये ग्रेटर होगा तो ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो लाइट्स हैं, एक मेरे पास लाइट है ब्लू लाइट है, एक मेरे पास रेड। पहले मैं ब्लू लाइट का जो है इंटरफेरेंस चेक करता हूँ, फिर मैं रेड का देखता हूँ। अब हम मैंने देखा कि जो रेड लाइट है हमें पता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जब उसका लैम्डा ज्यादा होगा या अगर हम इनको दोनों को फिक्स भी रख लेते हैं तब हम लैम्डा को देखें, अगर हम लैम्डा उसका ज्यादा रखते हैं तब हमारे पास जो डेल्टा वाई जो है, जो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू ब्राइट एंड टू डार्क फ्रिंजेस जो है कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, वो क्या आ जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है। अगर यानी जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतना ही जो पाथ डिफरेंस है उतनी ही दूर दूर जो है वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होंगे। तो इस तरह अगर हमें इनके दरमियान जो है ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के दरमियान डिस्प्लेसमेंट पता हो, हमें जो विड्थ है जो स्लिट विड्थ है डी वो पता हो, और जो स्लिट और स्क्रीन से डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस एल पता हो, तब हम जो है उस जो लाइट हमने जो सोर्स ऑफ लाइट यूज किया उसकी हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी वेवलेंथ है कितनी।
तो इस तरह जो है हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द लाइट के वेदर द लाइट वेवलेंथ जो है उसकी कितनी है और कितनी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इन तमाम डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस को जो स्क्रीन के ऊपर बननी है इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है। ये आपकी डायग्राम जो है बुक के अंदर बनी हुई है, इसको नाम दिया गया है 9.3D का। तो इसके अंदर जो है ये हमारे पास सोर्स एस है, ये हमारे पास सिंगल स्लिट है, आगे हमारे पास दो स्लिट्स हैं S1 और S2 है। यहाँ ये सिंगल सोर्स जो है ये आगे जो है सेकेंडरी वेवलेट्स बनते हैं, वहां से जो है दो बीम ऑफ लाइट जो है इंटरफेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स ये जो पैटर्न नजर आ रहा है कंजेक्टिवली अल्टरनेटिवली जो है हमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस की फॉर्म में, ये ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ये वाला जो पैटर्न जो है ये हमें नजर आ रहा है, एक बैंड नजर आ रहा है, ये ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, यंग्स ने इसे प्रूव किया, बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे जो थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे, एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जो है जो लैब के अंदर जो है प्रूव किया, टू प्रूव दैट द लाइट हैज अ वेव नेचर।